नमस्कार, बात बे बात के लिए मैं कौशिक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी चारों तरफ शुरू हो गई है, तो हम लोग भी शुरू हो गए हैं और हमारे साथ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग भारतीय सब लोग पार्टी से हैं, जिनसे चुनाव पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे और शुभकामना कि इस चुनाव में आप लोग बेहतर करें। निहामतुल्ला जी से हम शुरू करते हैं। तो चुनावी खुशबू तो मिलने ही लगी है, सब लोग तैयारियों में जुट चुके हैं, तो आप लोग नई शुरुआत कर रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, अरुण जी के साथ में। तो मैं ये जानना चाहूँगा निहामतुल्ला जी कि किन मुद्दों को लेकर के आप लोग आ रहे हैं अभी? जो जहाँ बिहार खड़ा है, 15 साल का जंगल राज दिखा के, 15 साल से सुशासन बाबू तथा कथित सुशासन बाबू लगातार महाजंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो 30 साल पहले थी उससे भी नीचे जा चुकी है। और हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, तो हमारा ये प्रयास होगा कि बिहार की व्यवस्था जो बदहाल है वो व्यवस्थित हो, शिक्षा का काम सुव्यवस्थित हो, स्वास्थ्य सुव्यवस्थित हो, आम जन तक इसका लाभ पहुंचे, भ्रष्टाचार खत्म हो इस बिहार से, 800 करोड़ के चारा घोटाला लालू यादव जेल में है। और हमको लगता है कि इन 15 सालों में अलग अलग घोटालों को मिला लिया जाए तो 50,000 करोड़ से ऊपर जाएगा बिहार का घोटाला, और वो सुशासन बाबू कहे जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बिहार में कुछ करने वाले हैं। तो आपकी बात, निहामतुल्ला जी की बात को सुनकर के लग रहा है कि लालू जी के साथ तो आप लोग आएंगे नहीं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी हो रही है? सभी सीटों पर, पूरी 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारा चुनाव लड़ने का कुछ आधार है। पहली बात तो ये कि जो मौलिक मुद्दे हैं, जैसा कि अभी अभी हमारे प्रदेश महासचिव महोदय ने कहा कि जो मौलिक मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा पे बात नहीं होती है, स्वास्थ्य पे बात नहीं होती है। आज तक जिस सुशासन का ये ढोल पीट रहे हैं, वो सुशासन के ढोल में बिहार को बीमारू राज्य के स्टेटस से बाहर ये आज तक नहीं निकाल पाए हैं। आखिर कैसा सुशासन, कौन सा सुशासन ये है जहाँ बीमारू राज्य का टैग नहीं हटा बिहार के ऊपर से, आप सुशासन का ढोल पीटते हैं? ये तो शर्म की बात है कि अपने आप को सुशासन कहने वाले लोग बीमारू का स्टेटस नहीं हटा पाए बिहार का। हम जो चीजें लेकर आ रहे हैं बिहार में, हम ना एनडीए के साथ जा रहे हैं ना हम यूपीए के साथ जा रहे हैं, हम एक विकल्प दे रहे हैं बिहार को, एक स्वच्छ विकल्प, एक बेहतर विकल्प। उस विकल्प में हमारी ये कोशिश है कि जो समय बचा हुआ है उस समय में जनता को हम ये महसूस करा दें कि हम बेहतर विकल्प हैं, जनता को हमारे साथ आना चाहिए, हमको मौका देना चाहिए। चलिए ठीक है, क्या देंगे आप लोग जनता को, क्या देंगे, किस उम्मीद से जनता आपकी पार्टी को चुने? मैं तो बक्सर के बारे में कहूँगा कि बक्सर बरसों से वंचित रहा है विकास के मामले में। यहाँ बाहर से नेता या प्रत्याशी थोपे जाते हैं और यहाँ के बुनियादी सुविधाओं पर बाहर के नेताओं का जरा भी ध्यान नहीं रहता है। कृषि पर आधारित यहाँ की जीवन शैली चल रही है, किसानों की स्थिति है और किसान से ही यहाँ का बाजार चलता है, और किसानों की इतनी बदतर स्थिति है कि नया ट्यूबवेल तो आज तक बक्सर में लगा ही नहीं। आप एक नंबर ट्यूबवेल बक्सर से स्टार्ट कीजिए, बगल में है बक्सर के पूर्व साइड में, बरसों से बंद पड़ा हुआ है। पूरा सर्वे कीजिए कि बक्सर ज़िले में जितने भी सरकारी ट्यूबवेल हैं आज तक कितने चालू हुए हैं और कितने बंद हैं। किसान नया ये नहर का जो है पक्कीकरण आज तक नहीं हुआ, किसान के लिए आप किए क्या हैं? किसान यहाँ मर रहे हैं, किसान के नाम पर जितनी भी नियम और योजनाएं बन रही हैं उसमें देखिए कि 50% से ज़्यादा घोटाला हो जाता है। बीज बढ़ता है खाद के नाम पर, बीज के नाम पर, सब्सिडी के नाम पर, उसमें 40% पैसा भी उन उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचता है, बीच में ही लूट लिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, पिछले दिनों की बात अगर की जाए तो अरुण जी तो अन्य पार्टियों में भी बिहार में रहे हैं, तब क्या हुआ? देखिए, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति जब समूह बनता है तो पार्टी होती है, और पार्टी का जब लीडर होता है उसकी नीयत खराब हो जाए तो ये आदमी यही कर सकता है कि विरोध करेगा। मतलब उनकी चलती नहीं थी? हाँ, चलती नहीं थी, नहीं चली तो इसलिए अलग हो गया, मनभेद हो गया, अलग हो गए।
चलिए हम बिहार की बात करते हैं, पूरे बिहार की बात करते हैं। क्या लग रहा है पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के ही को ही ले लें तो बिहार में क्या बुरी तरह से विपक्ष पिट गया था? जी हाँ। तो आप लोग नई पारी खेल रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आप लोग बढ़त बनाएंगे, जीत हासिल करेंगे, कुछ सीट लेकर के आएंगे? हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं। हमारी लड़ाई जनता के मूल्यों के प्रतिरक्षण के लिए है, जनहित के मुद्दों के लिए है। और 15 सालों में ही नहीं, 30 वर्षों में, 15 साल इनके और 15 साल उनके। वैसे तो हम लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, पहली बार नई पार्टी आई है तो हमारा नई विकल्प तैयार करने के हम चक्कर में हैं, नई लाइन खींचने के चक्कर में हैं। हम किसी भी पक्ष का ना पक्ष लेना चाहते हैं ना किसी का प्रतिकार करना चाहते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार। 30 वर्षों में शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो चुका है। यहाँ जिन मुद्दों की आज की जो विषम परिस्थितियों में जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है शिक्षा के लिए, तो आज अभी इस वर्ष में 37% टोटल बजट का 37% उन्होंने, अब सुशील मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री ने बोला कि 37% हमने शिक्षा पर खर्च करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर 37% का मूल्यांकन करें सही तौर पे, तो ये 37% कहीं खर्च होता ही नहीं है। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, लैब और बेंच डेस्क होता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, एक पैसा नहीं है। रीजन यह है, और टोटल सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ शिक्षा और शिक्षा से जुड़े तमाम बिल्डिंग में भी कमीशन है, बिल्डिंग बने तभी कमीशन आएगा, माल आएगा और चुनाव के लिए फिर नया एक रूपरेखा तैयार होगा। और शिक्षकों में वही स्थिति है, सरकार का आंकड़ा है कि 40,000 शिक्षक जाली है और इसका जांच हुआ, जांच होकर मोटी कमाई की गई सरकार के द्वारा और उन तमाम फोल्डरों को जला दिया गया। बिहार पहला राज्य है जिसमें 40,000 जाली शिक्षक हैं, और ये जाली शिक्षक बहाल करने वाले कोई दूसरी सरकार नहीं है, माननीय सुशासन बाबू है। और सुशासन बाबू के देखरेख में 40,000 फर्जी शिक्षकों का, सुशासन बाबू से पहले भी सरकार रही है किसी की, उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है, उसको नजरअंदाज नहीं। निश्चित निश्चित, तो आप गौरतलब कर लीजिएगा, तो उसको विकल्प के रूप में ही उसी को हटाने के लिए जनता ने आपको जनादेश दिया था, तो आप भी उसी कैटेगरी में जाते हैं फिर तो बात। और बुरा ना माने, हाँ, कि आपके जो मुखिया जो हैं, हाँ, आपके मुख्य लीडर जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं रहे हैं पार्टियों में। जी आप कौशिक भैया, बिल्कुल आपने सत्य बातें बोली है। और देखिए, हम लोग सत्य से नज़रअंदाज नहीं करते, सत्य का हम लोग फेस करते हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ववत की पहली 5 वर्षीय में जो नीतीश लालू प्रसाद जी को हटाने में इनका अहम योगदान था, इनका योगदान था, प्रभुनाथ जी का योगदान था, रेणु कुशवाहा, कुमारी कुशवाहा का था, इन्होंने तमाम लोगों का था जो। लेकिन बेहतर क्या किया इन्होंने? लालू प्रसाद यादव को हटाया, जंगल राज को हटाया, बेहतर क्या किया? शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था। अभी तो वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोरोना ने वो स्थिति ला दिया है कि सारे प्रवासी बिहारी जो हैं वो अपने अपने घर चले आए हैं, और रोजगार की समस्या विकराल रूप ले। क्या लग रहा है, क्या करेंगे आप लोग इस विषय पर, क्या कहना चाहेंगे? हमने तो कहा है कि देखिए, बिहार की 3 मौलिक समस्याएं हैं। कई सोशल मीडिया पे लगातार, हमेशा से सोशल मीडिया पे मैं लगातार लिखता रहा हूँ, आप शिक्षा की स्थिति देखेंगे पिछले 30 सालों से, 15 साल उनके और 15 साल इनके, कॉलेजेस में रेगुलर लेक्चरर्स की बहाली नहीं हुई है 30 साल। आप सुशासन का ढोल पीट रहे हैं। रोजगार के लिए आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। 15 सालों में जहां आप सुशासन की बात करते हैं, आप एक इंडस्ट्री का सेटअप खड़ा नहीं कर पाए हैं बिहार में। अगर आजकल तो पैमाना वही है ना, इंडस्ट्री है तो आप बेहतर है, नहीं है तो आप कहीं खड़े नहीं होते हैं। एक इंडस्ट्री 15 साल में आप खड़ा नहीं कर पाए हैं, फिर भी आप सुशासन कह रहे हैं। आपने बिहार के जो लोग पलायन कर रहे हैं लाखों की संख्या में, मजबूर हैं जाकर दूसरे प्रदेशों में गाली सुनने के लिए, वहाँ जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, आप उनके लिए कभी कोई एक पॉलिसी लेकर आए हैं 15 सालों में? कौन सा सुशासन, किस जंगल राज की बात करके आप पब्लिक को डरा रहे हैं कि जंगल अच्छा, राज। आपकी पार्टी के द्वारा अभी क्या किया जा रहा है उन प्रवासियों के लिए, उन मजदूरों के लिए? देखिए, बिहार सरकार के पास, वर्तमान बिहार सरकार के पास इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी नहीं है।
सर, जब आपके पास इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, जब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि बिहार के लोगों को बिहार की पहचान कैसे दें हम, तो फिर कैसा सुशासन? आपने हमसे पूछा कि हमारी पार्टी क्या करेगी, तो सर सत्ता में आने करेगी नहीं सर, आप क्या कर रहे हैं? जैसे कि देखिए, ये तो सवाल है, सरकार से सभी सवाल कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है मजदूरों के लिए, प्रवासियों के लिए, कोरोना से जूझ रहे उन मजदूरों के लिए, लेकिन विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? चुनाव के बाद, जीत जाने के बाद सगुफा के रूप में लोग छोड़ रहे हैं, पुड़िया खोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी अभी उन पीड़ितों के लिए क्या किया जा रहा है, ये विषय है कि सरकार नहीं कर रही, सोशल वर्कर्स कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां क्या कर रही हैं? एक सवाल और करूंगा मैं नियामतुल्ला जी, हमेशा से बिहार में जातिगत लड़ाई हुई है, जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव हुआ है, तो इस बार क्या हो सकता है? क्या शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, हम जिन चीज़ों को लेके आए हैं, हमारे पास न जातिगत व्यवस्था की बात है, न धार्मिक व्यवस्था की बात है, हम मूलचूल आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमारे नेता अरुण कुमार ने बिहार के की पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा को अगला सीएम प्रोजेक्ट किया है, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का जो सोच है, हमारा नैतिक सिद्धांत जो है, हम जिस राह पर चलना चाहते हैं, हमारा एक ही मुद्दा होना चाहिए, वो है विकास। बिहार जो दुनिया के स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में जाना जाता था, आज उसकी स्थिति मतलब ढूंढने पर नहीं मिल रहा है। बिहार में जिस PMCH में हर एक विभाग में 10-10 20-20 डॉक्टर मिलते थे, वहाँ पर एक एक दो दो डॉक्टर हो गए हैं। हम कर क्या रहे हैं? एक बक्सर में हम सब, हमारी तो सबसे बड़ी व्यवस्था की बात है ना कि इतना बड़ा कोरोना काल चला, बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शिक्षा के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर हैं, लेकिन आज हम खड़े थे, पूरा जिला मेरा मान लीजिए, बक्सर जिला को आप ले लीजिए, बिहार की भी बात आप इसमें जोड़ लीजिएगा, कि एक हॉस्पिटल के ही सहारे थे ना, था ना पूरा जिला, जो भी संसाधन थे उसी के सहारे पूरे जिले के लोग खड़े थे कि नहीं भाई कुछ हमारी मदद कर देगा तो जिला अस्पताल करेगा, बाकी तो कुछ था नहीं। इन व्यवस्थाओं को हमको सुधारना है, इसी पर हम लोग काम करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हम अजय जी से अंत में बात करते हैं। पार्टी का जो चुनावी एजेंडा है उस पर आप अटिक रहेंगे? बिल्कुल। जीतने के बाद कहाँ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जीतने के बाद क्या होगा ये तो उस वक्त की परिस्थितियाँ तय करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम अपने बूते पर जनता को एक बेहतर विकल्प दें और अपने बूते पर ही सरकार बनाएं। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, हम 50% महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओं को 50% भागीदारी नहीं दी है, और याद रखिए ये वैसी महिलाएं नहीं होंगी जैसे कि नीतीश जी ने स्थानीय निकायों में दिया हुआ है, मुखियापति, सरपंचपति, वार्डपति, माफ़ कीजिएगा, इस तरह की व्यवस्था हम नहीं देने जा रहे हैं। हम ऐसी महिलाओं को टिकट देंगे जो स्वावलंबी हों, जिनकी अपनी सोच हो, जो आगे बढ़कर समाज के लिए अपना योगदान देना चाहती हैं। आपके शीर्षस्थ जो नेता हैं जी, उनके साथ आप लोगों की बैठक की होगी? बिल्कुल निश्चित। तो सारा कुछ तय हुआ होगा? एकदम। क्या तय हुआ है चुनावी रणनीति को लेकर के? चुनावी रणनीति में पहले तो अभी हमें सिर्फ एक काम करना है कि हम जनता के सामने ये दिखाएं कि सबसे बेहतर, देखिए बिहार की जनता की स्थिति अभी ये है, आप भी घूम रहे हैं, आप भी जनता से बात कर रहे हैं, जनता की स्थिति यह है कि जनता दोराहे पर खड़ी है, एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है, जनता दोनों को 15-15 साल देख चुकी है और किसी से भी जनता संतुष्ट नहीं है, जनता दोनों में से किसी की तरफ जाने के मूड में फिलहाल नहीं है। हम यही कोशिश में कर रहे हैं और एकदम हमको लगता है कि हम इसमें कामयाब भी हो जाएंगे कि जनता को एक बेहतर विकल्प हम देंगे। जनता, बिहार की जनता जो है वो भारतीय सब लोग पार्टी पर विश्वास करेगी। आप याद कीजिए, अगर नहीं विश्वास करेगी तो मैं कहूँगा कि ये बिहार के लोगों का दुर्भाग्य होगा। ये बातें तो हर लोग करते हैं,
आप विश्वास से पहले आप सोचिए, विश्वास दिलाने वाली अभी आप हर समय होती अभी है, आप सोचिए, और जनता विश्वास करती है तभी सरकारें बनती है। अभी आप सोचिए स्थिति क्या थी पूरे कोरोना काल में। पूरे कोरोना काल में वो मजदूर सबसे ज्यादा मुखर अगर कोई पार्टी रही इस पूरे दौरान तो भारतीय सब लोग पार्टी थी। वो अरुण कुमार थे, वो रेणु कुशवाहा थे। क्या किया उन्होंने, क्या की पार्टी, पार्टी ने पार्टी की, सुन लीजिए, हर जिले में जितनी हमारी क्षमता थी, लोगों को जितना हम मदद कर सकते थे हमने किया है। लेकिन हम कभी न्यूज चैनल्स पे नहीं गए, हमने कभी न्यूज़पेपर में अपना नाम नहीं छपवाया, हमने लोगों को ये नहीं कहा कि नहीं हम फला पार्टी से आए हैं आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जितनी हमारी हैसियत थी हमने मदद की। और अगर वही बिहार की जनता इतनी दुर्दशा देखने के बाद भी उसी सांपनाथ और नागनाथ में से किसी को चुनती है तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा। बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा कि कैसे ये लोग पिछले 30 सालों से जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं और जिस दिन ये बन जाते हैं उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। ये बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो आप लोग बात विवाद के मंच पर आए। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक बात विवाद देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।